भारत में धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वांछित शराब कारोबारी विजय माल्या को अब 18,335 पाउंड यानी करीब 16.5 लाख रुपए का साप्ताहिक भत्ता मिलेगा। ब्रिटेन की हाईकोर्ट के आदेश के बाद माल्या के सामान्य जीवन यापन खर्च भत्ते में 3 गुना वृद्धि की गई है। माल्या के वकीलों ने अदालत में उनकी जीवन यापन के लिए अतिरिक्त खर्च की अनुमति का आवेदन किया था। पिछले साल इस 62 वर्षीय उद्योगपति के खिलाफ वैश्विक स्तर पर उनके 1.5 अरब डॉलर की संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया गया था। न्यायमूर्ति रॉबिन्स नाउलेस ने 30 जनवरी को जारी आदेश में माल्या के सामान्य जीवन यापन खर्च के लिए अधिकतम 18,325 पाउंड के भत्ते की अनुमति दी। इससे पहले अदालत ने कर्नाटक के ऋण वसूली न्यायाधिकरण के फैसले के बाद माल्या को साप्ताहिक आधार पर 5,000 पाउंड के भत्ते की अनुमति दी थी। गौरतलब है कि माल्या का ब्रिटेन से प्रत्यर्पण कराकर भारत लाने के मामले में 16 मार्च से अंतिम चरण की सुनवाई होनी है। इसमें फैसला मई में आ सकता है। माल्या इस समय जमानती बॉन्ड पर है। देश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।